नमस्कार आदाब, मैं निकेत सिंह राणा आप सभी का स्वागत करता हूँ आरवाई न्यूज में। ये नजर डालते हैं आज के मुख्य हैदराबाद के पुराने शहर साउथ जोन में नकली ऑयल बनाने वाली कंपनी पर मारा धावा। इस कंपनी का नाम नटराज बताया जा रहा है। वी सत्यनारायण के साथ पुलिस के आला अहदेदार भी मौजूद थे। तीन आदमियों की गैंग को गिरफ्तार किया गया। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। प्रसाद पहले मेला उसको बुला फिर नहीं मालूम बोल के वापस उठा ఇక్కడేమో ఆర్బిఎల్ పెట్టారు రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్, ఇక్కడేమో అదే తప్పంటే ఎట్లా? ఇప్పుడు ప్రజలు ఇప్పుడు కంప్లైంట్ ఇచ్చింది అదేనా? మొత్తం మన వాళ్ళు పల్లి అని పైన పెట్టి అంతా పల్లి ఆయిల్ వాళ్ళు పల్లి ఆయిల్ అనే ఇస్తున్నారు. इंग्लिश में अंग्रेजी किसी को नहीं आएगा। आरबी मतलब वो भी मालूम नहीं यार, राइस ब्रान ऑयल। और इसमें वो प्रिज्म में डालेगा तो ये ग्राउंड नट ऑयल ये पूरा ऐसा हो गया। ये पाम ऑयल ही ना ऐसा होता है, वो नॉर्मल ऑयल, ये नॉर्मल ऑयल नहीं चमता, वो आइस नहीं सॉलिड नहीं बनता। सो इसीलिए एक आदमी उनका तबीयत खराब होके ये केस डाल दिया। ये चीटिंग केस करने के बाद ये पूरा फूड मटेरियल एबनॉक्सियस बनाने के लिए, चीटिंग करने के लिए 472 273 केसेस में वो FIR रजिस्टर हो गया ऑलरेडी। ये ओनर का ऊपर श्याम सुंदर लोया, ये कई सालों से ये बड़ा कंपनी चालू कर रहा है पुराना पुल में बहुदुरपुरा एरिया में, और हर एक फॉरेन कंट्री से वो इंपोर्ट कर रहा है पामोलिन ज़्यादा कर रहा है, लेकिन ग्राउंड नट इतना इंपोर्ट नहीं है, लेकिन भेजना बहुत ज़्यादा भेज रहा है। वो टैली नहीं हो रहा है, इसीलिए वो ये पूरा अकाउंट्स देके ये पूरा सीज करके ये हम ये सैंपल्स सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी भेज रहा हूँ सैंपल्स। ये सैंपल्स में निकल जाएगा कितने मिक्स हो गया, कितने सबस्टैंडर्ड है, कितना टॉक्सिक है, कितना एडल्ट्रेटेड है। ये होने के बाद हम सख्ती से एक्शन ले लेंगे। मीनवाइल जो अभी तक एविडेंस मिला वो पल्ली का फोटो देखकर पीछे ऐसा कर दिया। ये पूरा इसका मामला में पूरा ओनर को मैनेजर्स को जो आदमी इसी के साथ दीजिए इजाजत। मैं निकेत सिंह राणा आरवाई न्यूज, सबसे आगे सबसे तेज।
Thank you.